हाउ टू सेटअप मेटामास्क वॉलेट इन कंप्यूटर लैपटॉप और पीसी। आज की इस वीडियो में हम मेटामास्क क्रिप्टो वॉलेट का एक मुकम्मल सेटअप बनाने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर में किसी ब्राउजर में मेटामास्क वॉलेट को इंस्टॉल करने के बाद उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउजर जैसे कि क्रोम ब्राउजर आपने ओपन कर लेना है और वहाँ पर अपने मेटामास्क वॉलेट सर्च करना है। metamask.io जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, आपने उसे ओपन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी। अब आपने क्या करना है कि डाउनलोड फॉर क्रोम का जो बटन होगा आपने यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपको क्रोम ब्राउज़र की जो वेब स्टोर है वहाँ पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऐड टू क्रोम बटन पर क्लिक करना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ से ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो मेटामास्क वॉलेट की जो एक्सटेंशन होगी वो आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं कि मेटामास्क वॉलेट इंस्टॉल होने के बाद हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ से आप इसको पिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपने आपके सामने ये विंडो ओपन होगी तो आपने यहाँ से एग्री टू मेटामास्क करना है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है। क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पर आपने दोनों जगहों पर एक स्ट्रॉन्ग सा सेम पासवर्ड टाइप करना है। इसके बाद चेक मार्क लगाना है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट करेंगे तो यहाँ पर आपने सिक्योर माई वॉलेट जो रिकमेंडेड का बटन होगा आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिवील सीक्रेट रिकवरी फ्रेज का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ क्लिक करना है तो जो वॉलेट के सीक्रेट फ्रेज होंगे, जो वॉलेट का बैकअप होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ये बैकअप बहुत ज़रूरी है, इसे आपने किसी पेपर पर लिख लेना है। बेहतर है कि स्क्रीनशॉट ना लें, इसे किसी पेपर पर लिख लें, क्योंकि अगर आपका वॉलेट किसी वजह से डिलीट हो जाता है, आपका जो ब्राउज़र है वो डिलीट हो जाता है या आपके कंप्यूटर में कोई मसला आ जाता है तो वॉलेट में मौजूद जितना भी फंड होगा उसको आप इन सीक्रेट फ्रेजेस की मदद से ही रिकवर कर सकेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि इसे आप किसी पेपर पर लिख लें, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इन्हें किसी पेपर पर लिखें। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने वॉलेट के जो सीक्रेट फ्रेज है उसमें मौजूद जो थर्ड नंबर पर जो वर्ड होगा आपने वो वहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद जो फोर नंबर पर वर्ड होगा आपने वो टाइप करना है। आपके पास मुख्तलिफ नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 12 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। जैसे कि मेरे पास 3, 4 और 8 नंबर वर्ड हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने कन्फर्म करना है। कन्फर्म करेंगे तो आपका जो मेटामास्क वॉलेट होगा वो आपके कंप्यूटर में सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेटामास्क वॉलेट जो है वो सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इसकी कुछ बेसिक सेटिंग वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इथेरियम मेन नेट है, यहाँ पर इथेरियम का नेटवर्क है, यहाँ पर आप मज़ीद नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको आगे 3 डॉट्स का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर अकाउंट डिटेल है, ये वो डिपॉजिट एड्रेस है जिस पर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम इसको व्यू ऑन एक्सप्लोरर का ऑप्शन है, इसको आप देख सकते हैं अपने एड्रेस वगैरह को। कनेक्टेड साइट वगैरह हैं जैसे कि डैप्स वगैरह। इसके बाद ये स्नैप्स है, स्पोर्ट है। इसके बाद हम सेटिंग को देख लेते हैं। जनरल में आपको आप जाएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले कोई भी एक लोकल करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि डॉलर, यूरो वगैरह। इसके बाद एथेरियम है, सॉरी क्रिप्टो करेंसी और फिएट है, दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइट और डार्क थीम दी गई हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद नीचे हाई टोकन विदाउट बैलेंस, इसको आप यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इसके बाद एडवांस में जाएंगे तो यहां पर भी क्लियर एक्टिविटी टैप डेटा का ऑप्शन दिया गया है, यहां से क्लियर कर सकते हैं एक्टिविटी वगैरह को। इसके अलावा यहां पर बैकअप योर डेटा है, जहां डेटा वगैरह का बैकअप भी आप रख सकते हैं। अगर रीस्टोर करना चाहें तो यहाँ से इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाते हैं तो यहाँ पर दोबारा रिवील सीक्रेट रिकवरी फ्रेज का ऑप्शन है। अगर आपने दोबारा जो सीक्रेट फ्रेज है वो टाइप करने हैं, देखने हैं, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट योर प्रेफर है, प्राइवेसी का ऑप्शन है। यहाँ पर जितनी भी सेटिंग वगैरह है प्राइवेसी सेटिंग वगैरह की आप यहाँ से देख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर अलर्ट्स वगैरह हैं जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह, आप इन्हें यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क हैं, यहाँ पर आप मैनुअली किसी भी नेटवर्क को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसकी जितनी भी सेटिंग वगैरह यहाँ पर होगी वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप बाय सेल का ऑप्शन दिया गया है, सेंड स्वैप है और ब्रिज वगैरह है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये इथेरियम सॉरी मेटामास्क वॉलेट की कुछ बेसिक सेटिंग थी जो आपने देखी है। तो आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से एक सेटअप बना सकते हैं मेटामास्क वॉलेट का। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपने इसका जो फ्रेज़ है सीक्रेट फ्रेज़, उन्हें किसी पेपर पर लिखना है, क्योंकि वॉलेट डिलीट होने की सूरत में उसमें जितना भी फंड होगा इन सीक्रेट फ्रेज़ की मदद से ही आप रिकवर कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।